أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله المالك والحق المبين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم وصلوا عليه I am Sir Muhammad Rafiq Chemist डियर स्टूडेंट आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का FSC क्लास पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल जिसकी अगर आप डायग्राम देखें तो इस तरह से ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है जो कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पीरियड्स और ग्रुप्स में डिस्कस करने के लिए एलिमेंट्स और उनकी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को पीरियड्स में और ग्रुप्स में डिस्कस करने के लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाया गया जो कि केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी पीरियडिक टेबल का बनना। तो इसी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलें जी, पीरियडिक टेबल इसको हम कहते हैं कि पीरियडिक टेबल सर्व्ड द पर्पस टू सिस्टमाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अनासिर की खसूसियात को मुनज़्ज़म अंदाज में पीरियड टेबल ने पेश किया। पीरियडिक टेबल की जो डेवलपमेंट है ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी इन द हिस्ट्री ऑफ केमिकल साइंसेस। केमिकल साइंसेस की तारीख में बहुत बड़ा एक कारनामा था, बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी पीरियड टेबल का बनना। पीरियडिक टेबल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? पीरियडिक टेबल को आप यूं डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी टेबल जिसमें एलिमेंट्स की अरेंजमेंट पीरियड्स और ग्रुप्स में करने के बाद जो टेबल हमें हासिल होती है उसे पीरियडिक टेबल कहते हैं। अ टेबल विच इज ऑब्टेन्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू पीरियड्स एंड ग्रुप्स इज कॉल्ड पीरियडिक टेबल। तो हियर यू आर डिफाइनिंग द पीरियड टेबल। पीरियड टेबल कंसिस्ट ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। हॉरिजेंटल रोज इन पीरियड टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम इन द पीरियड टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो आप किस तरह पीरियड और ग्रुप्स को डिफाइन कर सकते हैं कि जो उफकी कतारें होती हैं पीरियड टेबल में वो पीरियड्स कहलाती हैं और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स। नेक्स्ट, हम डिस्कशन करते हैं जो बहस करते हैं वो आ जाता है पीरियड टेबल के यूज की। पीरियड टेबल का जो यूज है ये बेसिक फ्रेमवर्क है जो प्रोवाइड किया जाता है टू स्टडी द पीरियडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एज वेल एज देयर कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड की तबई और कीमियाई खसूसियात का वक्फे वक्फे और स्पेसिफिक आफ्टर रेगुलर इंटरवल क्या चेंज आती है उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, इस चीज को स्टडी करने के लिए जो बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स किया गया है वो पीरियड टेबल है और ये पीरियड टेबल का मेन यूज है। जिस तरह से मैं बता रहा था
के पीरियड टेबल को पीरियड्स और ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। जब आप लेफ्ट टू राइट बात करेंगे तो वो पीरियड होंगे एलिमेंट्स के, जब टॉप से बॉटम की तरफ बात करेंगे तो वो ग्रुप्स की बात होगी। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पीरियड टेबल में स्टार्ट जो है वो कौन कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, तो मेमोरेबल कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में सबसे पहले हम ये क्रेडिट 5 साइंटिस्ट को डिस्कस करते हैं। दिया जाता है अलराजी, डुब्राइनर जिसने लॉ ऑफ ट्रायड दिया, न्यूलैंड जिसने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया, मेंडलीफ जिसने मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल दी, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो मुजले ने पेश किया था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पेश किया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अलराजी। अलराजी जो मुस्लिम साइंटिस्ट था, इसने एलिमेंट्स और कंपाउंड को ऑर्गेनाइज किया और फिर उनको क्लासिफाई किया इन सब्सटेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, कि उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो मुशाबियत पाई जाती थी उस बुनियाद पर इसने सब्सटेंसेस लेकर और उनकी दर्जाबंदी की, उनको क्लासिफाई किया। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आता है उसमें जिस साइंटिस्ट का नाम आता है सेकंड नंबर पे, इस साइंटिस्ट को हम कहते हैं डुब्राइनर। डुब्राइनर जो साइंटिस्ट है इसने लॉ ऑफ ट्रायड पेश किया। सबसे पहले इसकी डेट बताएंगे 1829 के अंदर। ये एक जर्मन केमिस्ट था और इसने 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और उन 3-3 एलिमेंट्स जिनका ग्रुप बनाया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और उसको क्या नाम दिया, ट्रायड। तो ये लव्स जो ट्रायड है ये किस लिए यूज़ किया कि 3-3 एलिमेंट्स का जो सिमिलर प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर ग्रुप बनाया उसको लॉ ऑफ ट्रायड का नाम। अब जरा लॉ ऑफ ट्रायड जो है ये क्या है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे लॉ ऑफ ट्रायड को। एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स ऑफ ट्रायड। क्या बात कर रहे हैं कि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, जो दरमियाना मिडल एलिमेंट्स था उसका जो एटॉमिक मास था वो असल में फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मासेस का जो मजमुआ था उसका जब एवरेज लिया गया तो एवरेज जो आता था वो मिडल एलिमेंट का आता था। अब इसकी मिसाल ले लेते हैं। ये देखें, ये एक ट्रायड एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें एक अल्कली मेटल लिथियम, एक सोडियम और एक पोटाशियम, तीनों अल्कली मेटल हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर इन 3 एलिमेंट्स का ग्रुप्स बनाया। अब लिथियम का एटॉमिक मास 7 था, पोटाशियम का 39 था। जब 7 और 39 का एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाएगा लिथियम और पोटाशियम का एटॉमिक मास जमा करके, और जब 2 पे 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 46 को जब 2 पे डिवाइड किया जाता है 23 आता है, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास है। और सोडियम जो है ये मिडल एलिमेंट है और लिथियम पोटाशियम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है। इनके दोनों के एटॉमिक मास का जो एवरेज निकलता है वो 23 निकलता है, जो कि सोडियम का मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है और इसको हम एक ट्रायड कहते हैं। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। दूसरी जो मिसाल है वो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इनमें कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 था, बेरियम का 137 था। जब इन 137 और 40 को जमा किया जाता है, इनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है तो 88.5 आता है, जो कि स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है, जो कि मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास के इक्वल होता है, तो इसे ट्रायड का नाम दिया। अब हम आ जाते हैं कि ये लॉ जो डुब्राइनर का लॉ पेश किया गया इसके क्या डिमेरिट्स थे, ये क्यों फेल हुआ, नाकाम हुआ। असल में डुब्राइनर लॉ ऑफ ट्रायड जो है वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि ये चंद एक एलिमेंट्स को कवर कर सकता था ये लॉ ऑफ ट्रायड,
जो बाकी बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे तो ये लॉ उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता था। उसके बाद न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया गया, थर्ड कंट्रीब्यूशन, थर्ड साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन। इस साइंटिस्ट ने 1864 के अंदर, ये इंग्लिश केमिस्ट था जॉन न्यूलैंड, इसने 62 एलिमेंट्स को इस तरह क्लासिफाई किया कि ही क्लासिफाई 62 एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मासेस, कि उनके बतदरीज बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर 62 एलिमेंट्स के इस तरह क्लासिफिकेशन की, उन्हें लॉ ऑफ ऑक्टेव का नाम दिया। ये लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है? इसके मुताबिक इसने 8-8 एलिमेंट, ऑक्टेव कहते हैं हश्ते को, 8 ग्रुप एलिमेंट्स का इस तरह तरतीब दिया उनके तदरीज बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर, और कहा कि हर जो आठवां एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट की खसूसियात में कदर मुश्तरक होती है। यानी इस लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस लॉ स्टेट दैट अगर एलिमेंट्स को तरतीब दिया जाए उनके बतदरीज बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर, तो न्यूलैंड ये कहता है कि हर आठवां एलिमेंट जो होता है वो सम प्रॉपर्टीज इन कॉमन होती हैं उसकी विद फर्स्ट वन। जैसे ये देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम की बात की गई, 8 एलिमेंट हैं। तो पहला और आठवां एलिमेंट वो भी अल्कली मेटल है, सोडियम भी अल्कली मेटल, तो इनमें कॉमन प्रॉपर्टीज, तो 8th और फर्स्ट एलिमेंट में कॉमन प्रॉपर्टीज थी, यही न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहलाते। अब आपके जहन में यहाँ पे आ रहा होगा कि यहाँ नोबल गैस जो है वो क्यों नहीं है, नोबल गैस उस वक्त दरियाफ्त नहीं हुई थी। अब हम आ जाते हैं ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो क्यों फेल हो गया था, नाकाम हो गया था। भाई न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है, एक तो ये एप्लीकेबल था सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक, उसके बाद ये 62 एलिमेंट्स तक सिर्फ एग्जिस्ट करता था, उसके बाद जैसे ही नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो ये लॉ डिस्टर्ब हो गया, ये अप्लाई नहीं होता था। तो ये तीन इसके डीमेरिट्स हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की। जिसके बाद फिर अगला लॉ पेश किया गया जिसको हम मेंडलीफ का लॉ कहते हैं। नेक्स्ट हमारी जो डिस्कशन होगी, जो बहस होगी, वो मेंडलीफ का पीरियडिक लॉ और पीरियडिक टेबल से स्टार्ट होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर, हमारा इंट्रोडक्शन था सेकेंड ईयर क्लास का फर्स्ट चैप्टर, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए, तो ये आसान से टॉपिक थे, इंट्रोडक्शन था, और यकीनन आपको समझ आया होगा। इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल व करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा, और न गुमराहों के। आमीन।